दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों मुझे एक समस्या बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है कि ये जो सुई की नोक है, ये देखिए, ये नोक मेरी बार बार खराब हो रही है। बहुत दिनों से ये समस्या आ रही है कि जितने भी काम करते हैं तो सुई की नोक खराब होती है और सिलाई भी खराब देने लगती है, सिलाई में खिंचाव आने लगता है। तो क्या कारण है? आज मैंने मैकेनिक को बुलाया और उससे कारण और समाधान जाना और उन्होंने मुझे सही से इन्फॉर्मेशन दी कि कैसे आपको सुई को लगाना है, उसमें आपको क्या चेंजेस करनी है और किस तरह से आपको पता चलेगा कि आपकी सुई की नोक क्यों खराब होती है। तो चलिए सीधा सीखते हैं या जानते हैं मैकेनिक से कि सुई की नोक बार बार क्यों खराब हो जाती है। ये आप देख सकते हो, ये सुई की जो नोक है वो खराब हो गई है और ये जल्दी जल्दी खराब हो जाती है, तो इसका कारण क्या है? तो देखो, सुई लगाने से पहले क्या होता है कि इस पैर को खोलना है, इसको हमें इस तरह से इस नट की सहायता से खोल लेना है। तो ये देख सकते हैं आप, हमने पैर को खोल लिया है। अब जो हम फ्रेश सुई लगाएंगे ना, वो हमारी इस तरह से लगनी चाहिए कि ये जो होल होता है, इस होल के बिल्कुल सेंटर में जानी चाहिए। अब आप इसको देखिए ध्यान से जरा, ये देखिए, अब जो हमने सुई को सेट किया है तो ये बिल्कुल से सेंटर में जा रही है। अब ये देखिए, आप इसको ठीक से देखें तो इस तरह से अगर हम सेट करेंगे सुई को तो उसकी नोक बार बार खराब नहीं होगी। तो अभी आप देख सकते हो ये जो है वो सेंटर में नहीं है, तो इसको हल्का सा इस तरह से देखिए, वो आप देखिए, ये देखिए अब भी थोड़ी सी ये साइड में है, देखिए उस कॉर्नर्स के, इस वाले कॉर्नर्स की तरफ टच कर रही है। तो इस नीडल प्लेट्स को, यानी जो चांद होता है उसको खोल करके थोड़ा सा सही से सेटिंग किया है और फिर से इसको चेक करें, पर अभी भी ये थोड़ी कॉर्नर को टच कर रही है, यानी सेंटर पे नहीं है, बिल्कुल बीच में जो सुई आनी चाहिए एकदम इस होल के, तो वो अभी बीच में नहीं आ रही है। ओके, अब ये देखिए, ये देखिए, अब बिल्कुल सही है जो सुई है वो। इसमें क्या किया, थोड़ा सा चेंज किया, थोड़ा सा इसको, जो ये गज होती है इसको थोड़ा इस तरफ किया और इस चांद को थोड़ा सा पीछे करके सेट कर लिया, एकदम से मिडिल सेंटर पे हमारी जो सुई है चल रही है। तो अब आपकी ये जो सुई बार बार खराब नहीं होगी, इसकी जो नोक है खराब नहीं होगी और उसके बाद फिर से आपको फिट जो है वो लगा लेना है। अब जो आपको दूसरी सावधानी रखनी है वो भी आपको ये स्क्रू टाइट करने से पहले ये चेक कर लेना है कि ये हमारी जो नीडल है फिट के बिल्कुल इस तरह से, अब देखिए बिल्कुल फिट को टच नहीं करनी चाहिए और इस तरह से आप फिट को थोड़ा देखिए सेट कर सकते हैं, इस तरफ आ रहा है तो उस तरफ कर सकते हैं, उस तरफ आ रहा हो तो इस तरफ आप इसको सेट कर सकते हैं। अब ये बिल्कुल सेंटर पे हमारी सुई है तो बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। तो इन बातों का आप ध्यान रख के अपनी सुई को सही से सेटिंग कर ले, आपकी सुई की जो नोक है बार बार खराब नहीं होगी। अब हम इसकी थोड़ी सी सिलाई करके देख लेते हैं कि इसकी सिलाई सही से आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि सुई की नोक खराब होने के बाद इसकी सिलाई में खिंचाव आता रहता है। तो इस तरह से आप सुई लगा करके इसको चेक कर लें कि आपकी मशीन बिल्कुल सही से चल रही है कि नहीं। तो आप देख सकते हो बिल्कुल बढ़िया और परफेक्ट चल रही है, कहीं से भी नहीं खींच रही है, ये देख सकते हैं, बिल्कुल भी सिलाई नहीं खींच रही है ना। तो हमारी जो सुई है वो, उसको हमने सही से सेट कर लिया है। तो इस तरह से सुई सेटिंग कर ले, आपकी सिलाई बिल्कुल से परफेक्ट हो जाएगी, जैसे कि मैंने आपको ये वाले दिखाए, देख सकते हो। थैंक यू, हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।